तख्त श्री दमदमा साहिब के बंती सिंघा की रिहाई वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह की रिहाई को लेकर आज अरदास समागम रखा गया। दस दिए कि इस लैके पुलिस के वलों पूरे सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जिस लैके तस्वीर भी सामने आईया ने। तस्वीर के देखा जा सकता है कि चप्पे चप्पे के उत्ते पुलिस तैनात की गई है। हालांकि कोई अणसुखावी घटना ना वापरे, इस लैके पुलिस के वलों वड्डी गिणती दे विच उत्ते फोर्स जो है वह बुलाई गई है। तो अज तुहानू दस दिए कि तख्त श्री दमदमा साहिब विखे बंदी सिंघां दी रिहाई अते वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह दी रिहाई नू लैके अरदास समागम रख्या गया। दस दिए कि अमृतपाल सिंह दे माता जी वलों पंजा तख्तां दे उत्ते किया गया सीगा कि उन्हां दे वलों इह अरदास समागम कीते जाणगे। तां अज तख्त श्री दमदमा साहिब विखे वह पहुँच रहे हैं ते उत्थे अरदास समागम रख्या गया। समागम जी असी धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अरदास बेनती वास्ते आए हाँ कि भाई अमृतपाल सिंह समूह जिहड़े उन्होंने साथी आ ते जिन्हें भी साडे सिंह योधे सूरमे कौम के जो जेलों के नजायज नज़रबंद हैं उन्होंने रिहाई लई जो सरकारां अन्नियां बोलियां हो चुकियां हैं उन्होंने सिख कौम वल्लों अपील आ कि भाई साडे कौम के योधे जो बिना कसूरों जेलों के बंद हैं उन्होंने रिहा किया जाए। साडी समुची कौम एकजुट हो के तख्त श्री दमदमा साहब विखे अरदास बेनती कर आई आ। उन्होंने मादर फादर आए आ, समूह वारस आए आ, सारिया जथेबंदियों भी बेनती है कि भाई यह जे कार्यों में आप रल के सरकारां जगागे ये अपने जिहड़े सिख कौम के हीरे आ उन्हां नूं आपां नज़रबंद होया नूं छड़ा के जो अमृत की लहर चल रही थी उन्हों दोबारा शुरू कर। की समाग किन्ना की फैसले ले सकते, किन्ना कि संगत च उत्साह है जी? उत्साह बहुत ज़्यादा आ जी। मेरे नगर तो दो ट्रालियां आईया तो होर भी बहुत दूरों दूरों नगर के विचों बहुत संगत जुड़ रही आ। उत्साह यही आ कि साढ़े आने वाले समय के जो आ नशे पतितपने हो रहे आ इन्हों रोकने साड़ी सिख कौम के हीरे योधे जो सूरमे आ उन्होंने छड़ा के असी जो साड़ी सिख कौम पहला चढ़ती कला च होंदी सी बाबा बंदा सिंह बहादुर वेले उस टाइम के जो सूरमे साढ़े पैदा हो उत्साह संगतों में बहुत आ जी। नौजवानों में बहुत उत्साह सारे नगर के संगत आईया। तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है कि कोई अमन कानून वास्ते लाई? अमन कानून नूं कोई भंग नहीं करना जी। असी सुख शांति नाल असी शांति के प्रतीक हाँ। साडे गुरुआं ने भी कहा ना असी किसी नूं डराउणा ना साडे अंदर डरा, असी अपने गुरु नूं अरदास बेनती करनी आ। साडा किसी नाल कोई लागा देगा नहीं ना साडा कोई अमन कानून नूं भंग करन दा माण आ। कौन कौन अमृतपाल दी माता जी ते पिता जी दोवें आए होए? हाँ जी दोनों आए आ। होर भी जिहड़े सिंघ नाल नज़रबंद आ उन्हां दे वारस भी आए आ जी। तो 11:30 बजे अरदास बेनती तख्त साहब से होनी आ। पहला श्री अखंड पाठ साहब इतने प्रारंभ सिंह सी बाबा वीर सिंह धीर सिंह गुरद्वारा साहब से वो जो अरदास बेनती करके हुण असी सारी संगत जुट के सरकार राही अपने गुरु के अगे अरदास बेनती करांगे। सरकारां नूं भी भाई साडी अरदास आ जिहड़ी गुरु सुने ते इन्हां सरकारां नूं जगावे ते साडे सिंघ रिहा होण।